सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जर्मनी की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेलीफोन कैन ने 32 इंच की स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है। इंडिया में स्मार्ट टीवी का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए जर्मनी की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेलीफोन कैन ने कुछ दिन पहले अपना 32 इंच का नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। टेलीफोन कैन ने इंडिया में वीडियो टेक्स इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप के तहत इस टीवी को पेश किया है। टेलीफोन कैन TFK32QS ये मॉडल है इसका। इसकी प्राइस 9,999 रुपीज़ रखी गई है और ये एक स्मार्ट टीवी है। इसमें एंड्रॉयड ओरियो 8.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें 20 वॉट का स्पीकर है। टेलीफोन कैन 32 इंच स्मार्ट टीवी की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 32 इंच की HD रेडी डिस्प्ले है जिसका रिजोल्यूशन 1366p x 768p दिया गया है। टीवी में 16.7 मिलियन कलर्स मिलेंगे। टीवी का पैनल एलिप्स ग्रेड का है। इसके अलावा टीवी में सिनेमा और क्रिकेट मोड अलग से दिए गए हैं। एंड्रॉयड ओरियो 8.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.5 GHz है। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली 400 GPU दिया गया है। इस टीवी में 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज दी गई है और पावर कंजप्शन के लिए इसे 3-star रेटिंग मिली है। इस टीवी में स्ट्रीम वॉल UI का सपोर्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से यूज़र्स फ्री में 17 लाख से ज़्यादा घंटे ऑफिशियल एप्स पर वीडियो देख सकेंगे। इस टीवी के साथ मूवी बॉक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें 7,000 से अधिक फिल्में हैं। टीवी में 20 वॉट का स्पीकर है जिसमें 10-10 वॉट के 2 स्पीकर शामिल हैं। इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट भी दिया गया है। ऐसे में आप ब्लूटूथ स्पीकर को भी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी में 2 USB पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक, एक ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट और एक वाईफाई पोर्ट का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में एयर माउस और स्क्रीन मिरर फीचर भी दिया गया है। टीवी के साथ 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। अब इस स्मार्ट टीवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी डिस्प्ले के साथ कोई दिक्कत नहीं है। टीवी में हॉटस्टार, G5, सोनी लिब, अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे, वहीं इसमें एप्टॉइड, टीवी स्टोर और मूवी बॉक्स जैसे ऐप्स प्री इंस्टॉल मिलते हैं। वैसे तो इस टीवी में एंड्रॉयड ओरियो 8.0 का सपोर्ट है और यह एक एंड्रॉयड टीवी है, लेकिन इसमें गूगल प्ले स्टोर आपको नहीं मिलेगा। एप्टॉइड टीवी स्टोर से ही आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर नहीं होने के कारण कई न्यूज़ और एंटरटेनमेंट ऐप्स सपोर्ट नहीं करते हैं। टीवी हैंग नहीं होता है और स्टार्ट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब प्रोसेसर की स्पीड अच्छी रहती है, रिमोट की स्पीड ठीक है, टीवी के यूज़र इंटरफेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्मेंस में ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो कुल मिलाकर कहें तो कीमत के हिसाब से 32 इंच की रेंज में यह टीवी बढ़िया है। ऑडियो, पिक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, यूज़र इंटरनेट को लेकर समस्या नहीं है। समस्या यही है कि आपको मनचाहा ऐप नहीं मिलता और गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं मिलता। तो यदि आप एक आम यूज़र हैं जिसे ढेरों सारे ऐप की ज़रूरत नहीं है और टीम पर गेम नहीं खेलना है तो यह टीवी आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप इस टीवी को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप अच्छे प्राइस में इसको ख़रीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।